दोगला कहा। चैप्टर नंबर लिख लो, खास करके प्रशासन वर्ग और मीडिया लोग नोट कर लीजिए। बाइबल का उत्पत्ति विषय पन्ना नंबर 25 लाइन नंबर 36। अब आइए, अंग्रेज आए, क्या क्या दोगलपन किए, अरे यहां तक किए कि उनको मैंने भाई माना, लेकिन भाई तो छोड़ो, उन्होंने मेरे पीठ में खंजर भोपी। अरे यही अंग्रेज थे जब भारत के लोगों को खून निकाल निकाल कर विक्टोरिया सरकार को साबुन बनाने के लिए भेजते थे। बहुत लड़ाई हुई, देश आजाद हो गई, इन दुष्ट अंग्रेजों के हाथ से, गोरों के हाथ से, कालों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। 15 अगस्त 1947 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मुझे संविधान दिया। हम गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हम गाते हैं, मेरा भाग्य का विधाता कोई केंद्र में बैठी हुई नपुंसक सरकार मेरा भाग्य का विधाता नहीं, इसके बाप की जागीर नहीं, हमारा देश का जागीर भारत का संविधान है। अब भारत का संविधान का जो विरोध करे उससे बड़ा भारत माता का दुश्मन कोई हो नहीं सकता। अब भारत का राजा भारत का प्रजा है। मैं छिंदवाड़ा की प्रजा से आज हिसाब मांगने आया हूं। भारत का संविधान कहता है कि भाई प्रत्येक जनता का कर्तव्य क्या है, तो लिखा कि प्रत्येक जनता का कर्तव्य है कि अपनी आजादी को बरकरार रखे, अपने धर्म को बचाए, अपनी आजादी को बचाए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करे और भारत के संविधान का पालन करे। मैं भारत के संविधान का पालन करने वाला, भारत का एक समाज का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आज संत समाज की ओर से भारत के राजा से पूछ रहा हूं। अब भारत का राजा भारत का प्रजा है, भारत का कोई टट्टू चोर लुटेरे नेता नहीं है, भारत का प्रजा है। अब भारत की प्रजा किसी को 5 साल के लिए एक वोट देकर उसे गद्दी पर बैठाती है। मैं आज बैठे हुए दिल्ली के लाल किले पर टुक टुक बोलने वाले विदेशी मिशनरी के एजेंडे में फिट होने वाला एक विदेशी गद्दार संगठन की अध्यक्षता मैं नहीं कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग, अगर मैं जो भी बात बोल रहा हूं वो कृपया पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बोल रहा हूं, प्रशासन वर्ग जी इसकी जांच करो, और सबसे पहले उन प्रशासक लोग, इन मीडिया वाले जो पटांग चीज निकाल रहे हैं उनको अंदर करो, क्योंकि यही लोग सबसे बड़े क्या हैं, आप समझ सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूं, विदर्भ हुंकार कह रहा है कि एक राष्ट्र की अध्यक्षता है जो स्वयं आज देश के केंद्र की तख्त पे बैठी हैं, इनकी एक कमेटी है क्रिश्चियन कांग्रेस आई फॉर इंदिरा नवेतर आई फॉर ईसाइयत है, नाम बता रहा हूं। वो कमेटी क्यों बनाई गई कि देश को पोप के चंगुल में रखकर इस देश को गुलाम करना है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे पास गृह डिपार्टमेंट का वह बयान मेरे पास है, इस देश को कैसे गुलाम बनाना है। उसकी अध्यक्षता स्वयं एक विदेशी है, ईसाई है, आनंद शर्मा की पत्नी ईसाई,
मनीष तिवारी की पत्नी साई, अजीत जोगी की पत्नी साई, राम कोटारिया की पत्नी साई, बेसेंट जॉर्जी साई, सतीश शर्मा की पत्नी साई, माकनलाल पुत्तेदार की पत्नी साई, सलमान खुर्शीद की पत्नी साई, इनके पिसारवे की पत्नी साई, ऑस्कर फर्नांडिस जी साई, माउंटेन टलवा ईसाई, ये कमेटी है। इनका लक्ष्य है भारत को किस तरह से गुलाम बनाना है, इसका प्रमाण मैं पहले 36 इस महाराष्ट्र छोड़ो इसी मध्य प्रदेश से दूंगा। मेरा भाई ये अंग्रेज एक तरफ, आपको पता है कैसे कैसे ये अंग्रेज क्या करते हैं, आज स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं। मैं आपको ऐसे चीजों को कुछ दिखा रहा हूं क्योंकि बाद में आपको समझने में तकलीफ ना हो। सबसे पहले प्रशासन वर्ग आपके मध्य प्रदेश में आज नहीं 1953 में एक कमेटी बनाई थी, नियोगी कमेटी, यही मध्य प्रदेश में नियोगी कमेटी बनी थी और उस नियोगी कमेटी ने फैसला दिया था कि यह देश के गद्दार कौम क्रिश्चियन मिशनरी इस मध्य प्रदेश को समाप्त करने का दुस्साहस कर रहे हैं और आज समाप्त करने की षड्यंत्र में संलग्न रहने वाली एक संस्था जो कार्य कर रही है उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। ये महा आते हैं, क्यों स्कूल खुल रहा है, क्यों कॉलेज खुल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, सामना पेपर अगर ये गलत है तो कृपया ये पत्रकार बंधु को पहले अंदर करो। 12,000 बच्चों का किडनी निकाल कर इन्होंने बेचा, क्या ये राष्ट्रभक्ति है? प्रजासत्ता दिन महाराष्ट्र का बल्लारपुर तहसील, प्रजासत्ता दिन न मनाने का फरमान जारी करने वाले एक राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर को जान से मारने की धमकी देने वाला कौम, इतना ही नहीं कैसे कैसे ये लोग, हमारी एक बहन ने बताया है, भाई साहब ने बताया था कि 46,000 इनके धर्मगुरु एड्स रोग से पीड़ित हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे भाई ने कहा, उसका मैं प्रमाण आपके सामने रख दे रहा हूं, कहीं आपके मन में दिक्कत न हो जाए कि कहीं ये संत लोग झूठ बोल रहे हैं। जनवाद पेपर, 46,000 इनके धर्मगुरु को एड्स, जब 46,000 इनके फादर को एड्स, फादर मने क्या होता है संत लोग, फादर मने क्या होता है, जरा जोर से बोलो, फादर मने क्या होता है, हमको बाप किसको कहते हैं, आप लोग बाप किसको कहते हैं? अरे जिससे मेरी मां सगाई करके मुझे पैदा करे उसे बाप कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन धर्मावलंबियों में बाप किसको कहते हैं, फादर, धर्म गुरु को। यानी टोटल क्रिश्चियन की पत्नियां क्या हुई, और जब सारे 46,000 फादर को एरस तो मदर कैसे बचेगी, और जब मदर नहीं बचेंगे तो उनके बाल बच्चे कैसे होंगे? तो क्या यह क्रिश्चियन धर्म का प्रचार है कि एड्स धर्म का प्रचार है? इसलिए मैं आज छिंदवाड़ा में कह रहा हूं कि ये पोप के रखेल के लोग क्रिश्चियन धर्म का प्रचार न करके एड्स धर्म का प्रचार करें, क्रिश्चियन इज द एड्स धर्म। मेरे भाई इतना ही नहीं, इन सबको जाने दो, ये मीडिया लोग कुछ बात हिंदू पर आती है खूब चलाते हैं, लेकिन फिदा हुसैन पर ये बात क्यों नहीं चलाते, जो भारत मां को नंगा तस्वीर बनाता है? ये सब बात जाने दीजिए। मेरे पास एक पत्र आया है एक भाई का, पहले उनकी चर्चा कर लूं। हमारे रविदास